हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस आ चुके हैं हम यहाँ पे एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे गाइस क्लोज एंड फाइट की। तो टिप्स हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी क्लोज एंड फाइट इंप्रूव कर सकते हो गाइस। तो काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे गाइस, डीएम्स आ रहे थे कि आप हमें बताओ क्लोज एंड के बारे में बताओ, क्लोज रेंज के बारे में बताओ। तो गाइस वही हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैं आपको बता दूं इस बोर्ड का यूज करेंगे, ये जो सर्कल बोर्ड है आपके सामने, तो इस बोर्ड का हम यूज करेंगे यहाँ पे ड्रिल के लिए। और यहाँ पे ये मूविंग बोर्ड्स हैं तो इनका यूज करेंगे। तो इन दो चीजों का गाइस यहाँ पे यूज करना है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे आप ये सभी बोर्ड्स गिरा दोगे, उसके बाद हम यहाँ पे ये वाला बोर्ड भी गिराएंगे गाइस। तो ये वाला बोर्ड आपको एडीएस ऑन करना है अपना, मीन्स एडीएस ओपन करोगे, एडीएस के साथ वो बोर्ड गिराओगे। तो वो भी मैं गाइस आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा करना है, उस बोर्ड को भी आपको क्यों गिराना है, क्या बेनिफिट है उसका। तो मैं यहाँ पे ड्रिल्स गाइस यहाँ पे एक बार करके दिखा देता हूँ आपको, तो क्या करना क्या है आपको। तो ये ड्रिल है गाइस, यहाँ पे आप देखोगे अभी क्राउच टारगेट डाउन, क्राउच टारगेट डाउन, देन फिर क्राउच टारगेट डाउन, फिर जंप टारगेट डाउन, देन प्रोन टारगेट डाउन, एंड उसके बाद यहाँ पे एडीएस के साथ वो सामने वाला टारगेट हमको गिराना है यहाँ से। तो ऐसे आपको पीछे की ओर जाना है गाइस, फिर से क्राउच किया टारगेट डाउन किया, क्राउच किया टारगेट डाउन किया, प्रोन किया, फिर से क्राउच किया, फिर से प्रोन किया। तो गाइस आपको एक एक बोर्ड गिराना है, जैसे एक बोर्ड आपने क्राउच होकर गिरा दिया, दूसरा बोर्ड आप प्रोन होकर गिराओगे, तीसरा बोर्ड आप जंप लेके गिराओगे। तो उसके बाद यहाँ पे सर्कल बोर्ड पे आना है आपको, क्राउच करना है, प्रोन करना है, क्राउच करना है, प्रोन करना है, फायर करना है, जंप करना है, मीन्स सब कुछ करना है आपको। तो हम एक ही ड्रिल में गाइस सब कुछ इंप्रूव करेंगे, आपकी क्राउच मूवमेंट इंप्रूव करेंगे, आपका प्रोन मूवमेंट इंप्रूव करेंगे, आपका जंप मूवमेंट इंप्रूव करेंगे। तो इससे क्या होगा गाइस, आप तीनों चीज आप इंप्रूव कर रहे हो अपना। और जब हम सर्कल टारगेट को हिट कर रहे हैं आगे जाके, तो यहाँ पे आप एडीएस ओके, तो यहाँ पे आप एडीएस जब ऑन करोगे गाइस, तो इसका ये बेनिफिट होगा, जैसे आपने एक या दो बंदे डाउन कर दिए, तीसरा बंदा थोड़ा दूर है, 20 से 30 मीटर दूर है आपसे, तो आपको आपका एम अच्छा होगा गाइस, आपका एडीएस जो खुलेगा बंदे पे वो मूवमेंट आपकी अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे आपको ड्रिल ये बार बार करते रहना है गाइस यहाँ पे। तो जितना फास्ट हो सके आपको ये ड्रिल करना है गाइस, तो स्लोली नहीं करना है, जितना फास्ट हो सके। तो जैसे आप सर्कल टारगेट पे यहाँ पे आओगे, आपको क्राउच तो होना ही होना है, प्रोन भी हो गया, आप जंप भी लोगे, तीन चीजें कर रहे हो, लेकिन उसके साथ आप जिगल जिगल भी करोगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूं अभी। और जितना फास्ट हो सके आप जिगल जिगल करना है यहाँ पे, क्राउच करना है, प्रोन करना है, उसके बाद फिर से यहाँ पे आना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सर्कल टारगेट पे यहाँ पे मैं हिट कर रहा हूँ, क्राउच कर रहा हूँ, प्रोन कर रहा हूँ, जंप ले रहा हूँ, जिगल जिगल कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बोर्ड्स पे आ रहा हूँ, जल्दी से जल्दी स्विच करना है गाइस आपको। तो जितना फास्ट हो सके आपको अपने टारगेट्स को स्विच करना है और अपनी मूवमेंट को भी स्विच करना है। जैसे आपने पहला टारगेट गिरा दिया प्रोन के साथ, प्रोन हुआ, पहला टारगेट गिरा दिया, उसके बाद क्राउच होना है, उसके बाद जंप लेना है, उसके बाद फिर से प्रोन होना है, फिर से क्राउच होना है, तो लास्ट बोर्ड जो मूविंग बोर्ड थोड़ा दूर है हमारे से, तो उसको आपको एडीएस के साथ गिराना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ गाइस आपको, यही सेम चीज करनी है गाइस आपको, जितना फास्ट हो सके ये ड्रिल करनी है। कम से कम आपको एक दिन में गाइस इसे एक घंटा ट्रेनिंग मोड में इसको करना पड़ेगा, फिर आपकी फाइट्स क्लोज एंड फाइट्स यहाँ पे इंप्रूव हो गाइस। अगर आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आपकी क्लोज एंड फाइट इंप्रूव हो। तो यहाँ पे मैंने आपको काफी बार गाइस करके दिखा रहा हूँ मैं अभी भी। तो यही सब करना है आपको, जितना फास्ट हो सके करना है, और आपको एक दिन में कम से कम एक घंटा ट्रेनिंग करनी है गाइस इसकी। तो अगर आप डेली करोगे तो विद इन 15 डेज गाइस आपकी क्लोज एंड फाइट्स क्या ही इंप्रूव होगी, आप खुद बताओगे गाइस, मुझे डीएम करोगे, खुद कमेंट्स करोगे कि हमको हमारी क्लोज एंड फाइट्स काफी इंप्रूव हो चुकी हैं। तो आप ट्राई करना गाइस, ये वही ट्रेनिंग्स हैं, वही ड्रिल्स हैं जो मैं खुद करता हूं अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। अगर आपको भी यहाँ पे गेम प्ले अपना अच्छा करना है, आपको प्रो प्लेयर बनना है, तो ये ड्रिल्स करनी पड़ेगी गाइस। ट्रेनिंग मोड में आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसके अलावा यहाँ पे और कोई भी वे नहीं है कि आप अपना गेम प्ले अच्छा कर सको गाइस। तो यहाँ पे गाइस और भी कोई भी टिप्स आपको अगर चाहिए हो किसी के भी रिलेटेड यहाँ पे, तो आप कमेंट्स कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको, तो वहां पे आप बता सकते हो क्या करना है, कौन सी टिप्स चाहिए, कौन सी ट्रिक चाहिए, तो वो मैं आपको बना दूंगा गाइस, उसके लिए आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो इसी तरह गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, यही ड्रिल आपको इम्प्रूव करनी है गाइस अपनी, और जितना फास्ट हो के इस ड्रिल को इम्प्रूव करना है आपको डेली गाइस, इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपकी क्लोज एंड फाइट्स काफी इंप्रूव हो जाएगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, हैव फन, बाय बाय, सी यू।